हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो 10वीं एवं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 10वीं एवं 12वीं यानी कि 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम न्यूज़ है उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जोर से जरूर पूरा देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मैं आज की जो है सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की जो है बैठक वो आज है। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद, कुछ आधे घंटे या 15 मिनट्स बाद जो है वो कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोस्तों, उसकी भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको सारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं केंद्र की तरह राज्य सरकार भी रद्द कर सकती है बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, आरबीएसई की जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं एवं 12वीं की, वो जो है आज रद्द हो सकती है। और आज जो है सबसे बड़ा अपडेट है, आज जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूज आ रही है जयपुर से, केंद्र की ओर से सीबीएसई 10वीं के बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द करने के फैसले के बाद अब राज्य सरकार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर सकती है। प्रदेश के कई मंत्री कोरोना काल में परीक्षाएं करवाकर बच्चों को जोखिम में डालने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में सभी मंत्रियों के मन की बात जानने के लिए बुधवार को वीसी के जरिए मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। इसके बाद वे भी केंद्र की तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला कर सकते हैं। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं के 21 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं को लेकर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है विद्यार्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये मुख्य एजेंडा होने के कारण 3 कैबिनेट मंत्रियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पत्रिका को बताया। वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाने का पक्ष मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर मंत्री यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जो और जैसा चाहे फैसला कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज अभी निकल के आ रही है। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में जो है कैबिनेट की जो है बैठक होने वाली है। जैसे दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आता है निकल के बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने का, उसी तुरंत मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र की तरह जो है आरबीएसई बोर्ड भी जो है बच्चों को प्रमोट कर सकती है और परीक्षाएं रद्द कर सकती है। और दोस्तों, जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी और जैसे फैसला आएगा तो दोस्तों तुरंत आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी जो है बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो है कैबिनेट की बैठक का जो परिणाम है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, लगभग 90% तक अब मैं कह सकता हूँ, और दोस्तों आप ही किस सपोर्ट से जो है दोस्तों यहाँ पे जो है इतना कुछ हमने कैंपेन चलाया। तो दोस्तों, अब जो है आज जो है अंतिम फैसला लिया जा रहा है। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी रद्द कर सकती है बोर्ड परीक्षाएं। और दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ी सी आपको न्यूज और बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, अभी जो है आरबीएसई बोर्ड ने एक ट्वीट करा है जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं वो अभी रद्द कर दी गई है। कुछ 45 मिनट पहले का ये मामला है। और दोस्तों, मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जो है यहां पर निर्णय ले लिया है 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का। और गुजरात में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। और दोस्तों, आज जो है अभी थोड़ी ही देर में जो है राजस्थान में आरबीएसई की जो है कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। साथ में दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी की बैठक से सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं। कल कई राज्यों ने परीक्षा ना कराने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, इन सब भी एविडेंस से दोस्तों यह फैसला, अब मुझे संभावना ज्यादा ही लग रही है कि दोस्तों जल्दी से जल्द यहां पे जो है आरबीएसई बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के छात्र को प्रमोट कर सकती है। जी हां दोस्तों, अभी का सबसे बड़ा ये जो है न्यूज़ है। तो दोस्तों, अगर आप कैबिनेट मीटिंग की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।